चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, कई योजनाएं चलाती हैं जो आम जनता के लिए होती है, जिन्हें उसकी जरूरत होती है। लेकिन कुछ बड़े पोस्ट पर बैठे अफसर ही ऐसे होते हैं जो इन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचने नहीं देते। लेकिन योगी सरकार में अफसरों पर भी गाज गिरती है। अब ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें 3 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो चलिए पूरा मामला आपको बताते हैं कि आखिर क्यों गिरी है गाज इन 3 अफसरों पर। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। 3 अफसरों पर गिरी गाज, योगी के राज में अन्याय नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पता चला कि केंद्र सरकार की तरफ से दी जा रही फ्री राशन योजना में बड़ी धांधली हो रही है, और जब इन्हीं धांधली करने वालों पर योगी का डंडा चला है। दरअसल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में सरकारी राशन की दुकानों को गेहूं के बोरे में मिट्टी मिलाकर भेजने का खुलासा हुआ है। जांच के बाद शिकायत सही मिलने पर 3 अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है। 3 अन्य के खिलाफ कार्रवाई की गई और सिफारिश भी की गई। एक अधिकारी ने यह जानकारी साझा की है। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रधान सिंह ने बताया कि सरकारी राशन वितरण के कई दुकानदारों ने खाद्य एवं राशन विभाग की तरफ से भेजे जाने वाले अनाज में मिट्टी मिलाए जाने की शिकायत की थी, जिसकी जांच जिला पूर्ति अधिकारी चमन शर्मा की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम को सौंपी गई। उन्होंने बताया कि 8 दुकानों पर की गई जांच में गेहूं के बोरों में मिट्टी पाई गई, जिसके बाद खाद्य एवं रसद विभाग में तैनात विपणन निरीक्षकों ने रामकृष्ण दुबे, रविकांत मिश्रा तथा मोहित कुमार को रविवार को निलंबित कर दिया। सिंह ने बताया कि ये एक गंभीर मामला है, इसीलिए इसमें लिप्त भारतीय खाद्य निगम के 3 अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए अधिकारियों को समय समय पर राशन दुकानदारों के जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी तरह से फ्री राशन स्कीम में घोटालों के कई मामले सामने आ चुके हैं। यूपी की महिला कोटेदार की करतूत। सरकार की तरफ से गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना चल रही है। इस योजना के जरिए गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाता है। सरकार ने इस योजना को कोरोना काल के बाद से लागू किया था ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह सके। लेकिन उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कुछ अलग ही देखने को मिला। यहाँ गरीबों को दिए जाने वाले राशन को कोटेदार खुद ही हजम कर जाते हैं। यहाँ एक महिला कोटेदार ने गरीबों का 190 क्विंटल राशन गायब कर दिया। इसकी शिकायत गांव वालों ने अफसरों से की है। इसके बाद कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। गरीबों को निशुल्क राशन दिए जाने की योजना के तहत सदर कोतवाली इलाके के पहाड़पुर उर्फ लंगरपुर गाँव की महिला कोटेदार लीला देवी को हर महीने 142 क्विंटल अनाज बांटने को दिया जाता है, जिसमें से 85 क्विंटल चावल और 57 क्विंटल गेहूं शामिल है। इस राशन की दुकान से करीब 710 परिवार जुड़े हुए हैं। गांव वालों ने अफसरों से की थी शिकायत। वही गांव वालों का कहना है कि कोटेदार से जब राशन की मांग की जाती है, वो कोई ना कोई बहाना बना देती है। इसके बाद इसकी लिखित शिकायत जिला आपूर्ति विभाग में की गई। विभाग ने इसकी जांच सप्लाई इंस्पेक्टर गोविंद और खाद्य आपूर्ति निरीक्षक नंदलाल पटेल से करवाई। अफसरों की टीम जब कोटेदार के यहाँ पहुंची, उस वक्त वहाँ कोटेदार के साथ ही ग्राम प्रधान और ग्रामीण भी मौजूद थे। टीम ने बीते 3 महीने मई, जून और जुलाई का जब स्टॉक चेक किया तो कुल 190 क्विंटल खाद्य कम मिले। इसके बाद टीम ने महिला कोटेदार लीला देवी से इसके बारे में जानकारी ली तो वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे सकी। इतना ही नहीं, कोटेदार के दुकान पर पात्र कार्ड धारकों की सूची, दुकान खोलने और बंद होने का समय, भारत सरकार से दी जा रही सब्सिडी की सूचना संबंधी बोर्ड भी नहीं लगाए गए थे। इस पर अधिकारियों ने कोटेदार को जमकर फटकार भी लगाई। कोटेदार के खिलाफ केस दर्ज। इसके बाद जांच टीम ने अपनी रिपोर्ट विभागीय अधिकारी को सौंपा। फिर महिला कोटेदार लीला देवी के खिलाफ शहर कोतवाली में सप्लाई इंस्पेक्टर गोविंद सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाता है।
मुफ्त के राशन की लाइन में लखपति किसान। सरकार की मुफ्त राशन योजना का अपात्र भी जमकर लाभ उठा रहे हैं। नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर यानी कि NTC के पोर्टल से मिलान हुआ तो मंडल के 6 जिलों के 13,970 ऐसे लखपति किसान चिन्हित हुए जो मुफ्त का राशन ले रहे थे। वहीं कानपुर जिले में सर्वाधिक ऐसे 5,427 किसान भी पाए गए। खास बात यह है कि इनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन है और हर साल 2.5 से 3 लाख रुपए का अनाज समर्थन मूल्य पर सरकारी केंद्रों में ये बेचते हैं। शासन से ऐसे किसानों की सूची आने के बाद जिला पूर्ति विभाग ने इनके राशन कार्ड निरस्त करने शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिले में संचालित 1385 कोटे की दुकानों से 8,18,904 कार्ड के सापेक्ष 30 लाख यूनिटों को राशन दिया जाता है। एक यूनिट पर 3 किलो चावल और 2 किलो गेहूं दिए जाने का नियम है। पिछले दिनों राशन के निर्देश पर मुफ्त राशन वाले कार्ड धारकों और सरकारी क्रय केंद्रों पर अनाज बेचने वाले किसानों की सूची का मिलान कराया गया तो ये गड़बड़ी सामने आया। इन किसानों ने अपनी कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर से अधिक घोषित कर रखी है। इस कृषि योग्य भूमि में होने वाली उपज को सरकारी केंद्रों पर बेचकर खातों में सरकारी समर्थन मूल्य भी लिया जाता है। इसके बाद भी ये लोग मुफ्त का राशन उठा रहे हैं। कैसे हुआ मामले का खुलासा? NIC पोर्टल से राशन कार्ड धारकों और सरकारी केंद्रों पर अनाज की बिक्री करने वालों की सूची का मिलान किया गया। इसमें बैंक खाता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड के साथ खतौनी भी लगी होती है। आपूर्ति विभाग को आधार कार्ड के माध्यम से जिले के ऐसे 5,427 बड़े किसानों की जानकारी मिली जिन्होंने 2 लाख से अधिक का धान और गेहूँ सरकारी केंद्रों पर बेचा है। क्या कहता है नियम? खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में राशन कार्ड धारकों और निष्कासन के नियम तय हैं। ग्रामीण क्षेत्र में निष्कासन के तहत ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित जमीन है या सभी सदस्यों की आय 2 लाख सालाना से अधिक है उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल सकता। फ्री राशन में बड़ी धांधली। इतना ही नहीं यूपी के बदायूं में डोर टू डोर स्टेप राशन प्रणाली में धांधली करने का भी मामला सामने आ चुका है। दरअसल रास्ते में ट्रक खड़े कर बोरियों से अनाज की चोरी की जाने की खबर भी सामने आई है। फिर राशन चोरी करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ। दातागंज तहसील क्षेत्र के बेला डांडी रोड पर ट्रक में लदी बोरियों से राशन चोरी का वीडियो वायरल हुआ। PDS गोदाम से कोटेदारों तक राशन पहुंचाने की डोर टू डोर स्टेप प्रणाली में राशन चोरी होने का सिलसिला चलता रहा। वायरल वीडियो में दावा किया गया कि बेला डांडी रोड पर 3 ट्रक खड़े थे। ट्रक के अंदर तौल का कांटा भी रखा हुआ दिखाई देता है। ट्रक के अंदर मौजूद मजदूर राशन की बोरियों को खोलकर उसमें चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रत्येक बोरी से करीब 2 किलो से 2.5 किलो तक राशन चोरी होती थी। इस मामले में DM से भी शिकायत की गई थी लेकिन अब तक पूर्ति विभाग से लेकर जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर सके। आरोप है कि यह सब कुछ अधिकारियों की सरपरस्ती में यह धंधा चलता था। फ्री राशन में घोटाला। केंद्र और प्रदेश सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी योजना के तहत गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही फ्री राशन योजना में एटा जनपद में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिस योजना को उत्तर प्रदेश में BJP की सरकार दोबारा लाने का श्रेय दिया जा रहा है उसी योजना में राशन माफिया घोटाला करके गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं। महिलाओं ने इस घोटाले की शिकायत एटा के अलीगंज के उप जिलाधिकारी से की तो राशन माफियाओं की करतूत खुलकर सामने आ गई। क्या लगाया आरोप? एटा जनपद की अलीगंज तहसील क्षेत्र में अनेकों महिलाओं ने उप जिलाधिकारी अलीगंज को शिकायत की उनको राशन नहीं दिया जा रहा है। जिनको दिया भी जा रहा है तो उनको माप और तौल में पूरा राशन नहीं दिया जा रहा। इन महिलाओं ने यह भी शिकायत की है कि उनको सरकार द्वारा दिया जाने वाला रिफाइंड तो मिल ही नहीं रहा। उन्होंने उप जिलाधिकारी को दी गई शिकायत में कहा है कि जब वे राशन डीलर के यहाँ राशन लेने जाते हैं तो
उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। बोरिया और झोले फेंकते हुए राशन देने से मना कर दिया जाता है। कई बार चक्कर लगाने के बाद जब राशन देते भी हैं तो तौल माप में कम राशन देते हैं, कहते हैं कि इतना ही राशन मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ लाभार्थियों को तो राहत दिया ही नहीं जाता। आरोप है कि इस साल मार्च महीने में रिफाइंड का भी वितरण नहीं किया गया था। क्या की शिकायत? प्रार्थना पत्र में मांग की गई है कि सभी पात्र लाभार्थियों को पूरा राशन दिलाए जाने की कृपा करें, जिससे सरकार की छवि धूमिल ना हो सके। शिकायत करने आई बुजुर्ग महिला प्रेमा देवी बताती हैं कि राशन डीलर गल्ला नहीं देता है। मजदूरी करके हम खाते हैं, दो महीने से राशन नहीं दिया गया, अभी होली पर दिया गया है और कहते हैं कि जाओ शिकायत कर दो। क्या बोले अधिकारी? महिलाओं की इन शिकायतों पर जब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग एटा के सप्लाई इंस्पेक्टर सुनील भटनागर ने स्वीकार किया कि कुछ लोगों को खाद्यान्न से वंचित रखा गया है, इसके लिए उन्हें दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अगर इस प्रयास के बाद भी राशन नहीं दिया गया तो दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घटतौली की शिकायत पर भी उन्होंने कहा कि जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। यानी कुल मिलाकर फ्री राशन स्कीम में कई बार इस तरह के घोटाले देखने को मिले हैं जो सवालिया निशान भी खड़े करते हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।